हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं आपका अपने ट्विंस बेबी मामा डॉट कॉम चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड है और इसमें मैं आपको जो है क्लियर करूंगी कि मुझसे प्रेगनेंसी में क्या क्या मिस्टेक हुई थी और मेरे जो छोटा वाला बेटा है उसको क्या प्रॉब्लम हुई थी। मैं इसमें इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। और उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे ट्विंस बेबी बॉय हैं जो इस समय जो है 15 महीने के हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। मेरे जो दोनों बेबी हैं वो 2 जनवरी 2021 को हुए थे और उस समय बहुत ही ज्यादा सर्दी थी। तो उस समय जो मेरे बड़े वाले बेटे का जो वेट था 2.5 किलो था, जो कि एक बच्चे का नॉर्मली होता है। छोटे वाले बेटे का जो वेट था वो लगभग 2 किलो 300 ग्राम के आसपास था। मतलब दोनों बच्चों में लगभग 200 ग्राम का फर्क था, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन फिर भी जो मेरा छोटा वाला बेटा था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और बहुत ही ज्यादा दुबला पतला था। वजन में भी इतना ज्यादा हल्का था कि जब हम उसको गोदी वगैरह लेते थे स्टार्टिंग में तो हमें पता ही नहीं चलता था कि गोद में बच्चा है भी कि नहीं। जिस समय मेरे जो है दोनों बेटे हुए थे तो उस समय जो मेरा छोटा वाला बेटा था उसका सर बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उसका मुंह जो था वो बहुत ही छोटा सा था। लेकिन हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में जो सर्दियां थी तो बच्चे के 24 घंटे टोपा वगैरह लगा रहता था, तो फिर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। कभी कभी हम जो है जब धूप में लेटाते थे तो थोड़ी बहुत देर के लिए टोपा हटा देते थे, तो फिर कभी कभी मुझे डाउट भी होता था कि इसका सर जो है बहुत ज्यादा ही बड़ा है। कि लोग कहते हैं ना कि कुछ बच्चों का सर बड़ा ही होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसका जो सर था वो बढ़ ही रहा था, बल्कि वो मतलब कोई भी नॉर्मल उसका साइज नहीं लग रहा था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था तो फिर जब हम उसको गोदी लेते थे और तो उसका सर बहुत ज्यादा हैवी लगता था। इतना ज्यादा उसके सर में वेट था कि जो बेबी था मेरा वो अपनी गर्दन को बिल्कुल मतलब संभाल ही नहीं पाता था। कि मेरे जो दोनों बेटे थे प्रीमेच्योर नहीं हुए थे, हुए थे बिल्कुल सही टाइम पे थे, लेकिन जो मेरा छोटा वाला बेबी था उसको देख के ऐसा लगता था कि जैसे वो प्रीमेच्योर हुआ हो। जो मेरा बड़ा वाला बेटा था जब वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह था, जैसे टाइम से बैठना, टाइम से उठना, टाइम से मतलब गर्दन संभालना, टाइम से घुटनों पे चलना, उसका जो हर काम हो रहा था वो बिल्कुल टाइम से हो रहा था। लेकिन मेरा जो छोटा वाला बेटा था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मतलब वो 4 महीने का हो गया था फिर भी वो बहुत ज्यादा नहीं मुस्कुराता था, बहुत ज्यादा बातें भी नहीं करता था, वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा सोता ही रहता था। मेरे छोटे वाले बेटे ने लगभग 5.5 महीने में पहली बार गर्दन धीरे से उठाई थी, ठीक है, और फिर उसके बाद में वो प्रोग्रेस ही नहीं करता था। मतलब वो दिन भर लेटा ही रहता था और चाहे उसकी मतलब मालिश कर दो सो जाता था, खा पी लेता था, फिर लेट जाता था। तो कभी कभी मन में बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती थी कि इसका ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्लो लग रहा है। तो जब उसने 5.5 महीने में पहली बार गर्दन उठाई तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब शायद ये लेट ग्रोथ करेगा, लेकिन करेगा। जो मेरा छोटा वाला बेटा था वो लगभग 3-4 महीने के बाद में धीरे धीरे हंसने भी लगा था, खेलने भी लगा था, सारी एक्टिविटी मतलब हाथ पैर सब चलाता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, पहचानने भी लगा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना तो वो बिल्कुल पलटता था जैसे बच्चे करवट पे करवट लेते हैं, ऐसा उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। ना वो कोशिश करता था बिल्कुल ज्यादा गर्दन उठाने की और ना वो कोशिश करता था बिल्कुल खड़े होने की। मतलब वो 8-9 महीने का हो गया था लेकिन उसके बावजूद भी वो लेटे लेटे खेलता था, सब कुछ लेटे लेटे करता था। जब वो 8-9 महीने का था तो हम लोग जब उसको बिठालते थे तो वो बिल्कुल भी बैठ नहीं पाता था। मतलब क्या होता था कि जैसे हम उसको बिठालते थे तो उसका शरीर जो था वो पूरा ढीला पड़ जाता था, ठीक है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा हेडेक होती थी। उसको मतलब सहारा देके भी बिठालते थे, वो तब भी नहीं बैठ पाता था। ऐसे करते करते टाइम निकल गया तो मतलब सब लोग कहने लगे कि परेशान मत हो, कुछ बच्चे जो है लेट ही ग्रोथ करते हैं, बैठने लगेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 9 महीने के मेरे दोनों बेबी हो गए थे तो हम जो है टीका लगवाने गए थे। वहां पे जो टीका लगाने वाली जो दीदी थी उन्होंने मेरे दोनों बेटों को देखा तो वो बोली कि मुझे तुम्हारा ये छोटा वाला बेटा जो है ठीक नहीं लग रहा। तो वो बोली कि इसका सर जो है बहुत ज्यादा बड़ा। मैम ने मुझसे कहा कि आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो मैंने कहा मैम नहीं दिखाया। मतलब उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपका बच्चा जो है मुझे बहुत ज्यादा लुंज पुंज लग रहा है, बहुत ज्यादा ढीला ढाला सा, तो इसको तुरंत जो है डॉक्टर को दिखाओ। और मैं आपको बताऊं मेरे मन में तो पहले से कभी कभी बहुत ज्यादा डाउट होता था, तो जब उन्होंने इस तरीके से मुझसे बोला तो फिर मतलब बहुत ज्यादा मन में बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी एकदम। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी बैठ भी नहीं पाता होगा और तुम्हारा जो बड़ा वाला बेटा है वो बैठ भी लेता होगा। हमने हाँ मैम अभी ये बैठ तो नहीं पाता है, तो बोली हाँ इसीलिए इसको आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। तो फिर हम लोग घर पे आ गए। घर पे आने के बाद फिर हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हो गए, बच्चे वाली बात थी।
और तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग तुरंत ही जो है दूसरे दिन फरुखाबाद निकल गए थे, क्योंकि फरुखाबाद में बच्चों के डॉक्टर जो होते हैं उन्हीं के पास सीधे ले गए। तो फिर क्या हुआ, उनके पास जब हम ले गए तो उन्होंने जब पहली बार मेरे छोटे बेटे को देखा तो मतलब उन्होंने एक अजीब सा ही रिएक्शन दिया कि बोले ये बच्चे का सर तो बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे इसके सर में या तो पानी है या फिर सूजन है या फिर बहुत ज्यादा कोई दिक्कत। उन्होंने तुरंत ही उसका जो है इंची टेप जो होता है उसके सर को नापा। नापने के बाद में उन्होंने तुरंत बोला कि आप इसका जो है सीटी स्कैन करवाइए और मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर जब उन्होंने बोला तो फिर हम लोग तुरंत ही जो है सिटी स्कैन के लिए पहुंच गए। तुरंत ही जो है बच्चे का फिर हमने सिटी स्कैन करवाया। सिटी स्कैन करवाने के बाद लगभग एक से दो घंटे बाद रिपोर्ट मिल गई थी। उनको रिपोर्ट दिखाने के बाद भी उनको क्लियर नहीं हुआ सिटी स्कैन में। उनको बहुत ज्यादा डाउट था, बोले कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने मुझसे मतलब बोला कि आप जो है इनको कानपुर ले जाइए, न्यूरो सर्जन को दिखाइए डायरेक्ट। कानपुर में ही न्यूरो सर्जन वगैरह स्पेशली डॉक्टर बैठते हैं। डॉक्टर ने बोल दिया था कि हो सकता है इस बच्चे का एमआरआई भी कराना पड़े सर का। तो हम लोग नहीं जानते थे कि एमआरआई वगैरह क्या होता है, मतलब सुना था लेकिन जानते नहीं थे इतना। तो फिर हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा घबरा गए क्योंकि पता नहीं क्या हो। तो फिर क्या हुआ, कानपुर जाने के बाद में हम जो है सीधे रिजेंसी हॉस्पिटल है कानपुर में एक, तो हम लोग वहां पे डायरेक्ट गए। डायरेक्ट जाने के बाद में वहां पे जो न्यूरो सर्जन बैठते हैं, हमने जो है अपने बेटे की सिटी स्कैन की रिपोर्ट दिखाई। तो मतलब उन्होंने जब रिपोर्ट देखी तो उनको भी क्लियर नहीं हुआ, तो उन्होंने भी तुरंत बताया कि इस बच्चे का जो सर का जो है एमआरआई होगा। तुरंत अपने बेटे का एमआरआई करवाया। मतलब एमआरआई जो मेरे बेटे का हुआ था वो सर का ही हुआ था, इतना पूरा सर जो है मशीन के अंदर ले जाया जाता है, बाकी पूरी बॉडी बाहर रहती है। एमआरआई होने के बाद में जब उसकी रिपोर्ट आई तो फिर क्या हुआ कि जब उसकी रिपोर्ट आ गई थी तो रिपोर्ट हमने डॉक्टर को दिखाई, लेकिन फिर भी उनको डाउट हो रहा। उन्होंने बोला कि इसके सर में जो है पानी है, तो फिर बाद में बोले सूजन है। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे भी इसमें कंफर्म नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपने सीनियर डॉक्टर के पास भेज दिया। तो फिर आप समझ सकते हैं कि जब उन्होंने भी क्लियर नहीं किया तो और ज्यादा टेंशन होने लगी कि पता नहीं ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो डॉक्टर जो है क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने अपने सीनियर के पास भेजा। तो फिर हम लोग वहां पे गए, वहां के डॉक्टर जो है शाम को 6 बजे बैठते थे, तो हम लोग जो है सुबह ही चले गए थे। फिर हम लोग उनके कैबिन में बैठने के बाद वेट करते रहे। फिर जब शाम को डॉक्टर आए 6 बजे, तो फिर हमने जो है अपने बेटे की जो है एमआरआई रिपोर्ट दिखाई। तो रिपोर्ट दिखाने के बाद में उन्होंने कंफर्म किया कि बच्चे के सर में जो है थोड़ा सा पानी है, मतलब स्टार्टिंग हुई है पानी की, और थोड़ी बहुत सूजन भी है। फिर हम लोगों ने पूछा कि कोई बहुत ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, दवा उन्होंने लिखी थी तो उन्होंने कहा आप इसको पिलाइए और अगर मतलब दवा से ही कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो हो सकता है अभी सर्जरी भी करनी पड़े। तो मतलब मैं आपको बता दूं कि सर में जो पानी भर जाता है ना वो भी एक तरीके की बीमारी होती है, और जो मेरे बेटे को ये जो प्रॉब्लम हुई थी ना ये गर्भावस्था के दौरान ही हो चुकी थी, लेकिन बस मेरी जो एक बेवकूफी थी सबसे बड़ी कि हम कंटिन्यू डॉक्टर के संपर्क में नहीं रह पाए, तो इसी वजह से हमें पता नहीं चला और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि कुछ ऐसी टेबलेट आती है कि अगर गर्भावस्था के दौरान ये बीमारी पता चल जाती है तो उसी समय जो है लेडीज को टेबलेटें खिला दी जाती है जिससे बच्चे की जो बीमारी होती है वो कंट्रोल हो जाती है। यही सोचते रहे कि सब ठीक है क्योंकि मुझे उस दौरान कोई भी गंभीर दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे बेटे को अंदर ही अंदर दिक्कत हो रही थी। तो हम लोग उस समय बहुत ज्यादा डर गए क्योंकि जब उन्होंने सर्जरी का नाम लिया, हम लोगों ने फिर डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर प्लीज मतलब कुछ ऐसा करिए जिससे सर्जरी की नौबत ना आए, क्योंकि आपको पता सर वगैरह की जो सर्जरी होती है इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। इसमें आप समझ सकते हैं इलाज तो होता है लेकिन कोई गारंटी फुल नहीं होता है कि सक्सेस होगा ही कि नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ कि हमने डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर ने कहा तुम लोग परेशान मत हो, अभी जो मेरे बच्चे के जो सिम्टम थे वो स्टार्टिंग के ही सिम्टम थे, मतलब जो बीमारी थी वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाई थी। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आप लोग परेशान मत हो, जहां तक होगा दवा से ही कंट्रोल हो जाएगा। तो उन्होंने फिलहाल में तो दो सीरप ही लिख दिए थे। तो फिर हम लोग जो है घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में उन्होंने लगभग 15 दिन बाद फिर बुलाया था। घर पे आने के बाद में हमने 15-20 दिन तक वो सीरप पिलाई कि मेरा जो बेटा था उसको धीरे धीरे सीरप से ही आराम मिलने लगा था, क्योंकि प्रभु का लख शुगर है कि हमें जो मेरे बेटे की बीमारी थी वो टाइम पे ही पता चल गई थी। लोग 15 से 20 दिन के बाद में फिर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए। हमने उनको फिर बताया कि डॉक्टर साहब मतलब सर तो काफी ज्यादा हद तक जो है धीरे धीरे छोटा हो रहा है। तो फिर उन्होंने बोला फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है ये सिर्फ 1 महीने और पिलाइए। फिर उन्होंने एक चीज और क्लियर करी कि हो सकता है ये जो तुम्हारा छोटा वाला बेटा है वो दिमागी तौर पे अदर बच्चों से पीछे रह जाए। मेरे बच्चे का जो विकास था जो रुका पड़ा था, जो वो बैठ नहीं पा रहा था उठ नहीं पा रहा था, उसका जो मेन विकास था वो इसीलिए रुका पड़ा था क्योंकि उसके सर में प्रॉब्लम थी। सर में प्रॉब्लम होने की वजह से इसलिए उसकी रीढ़ की हड्डी भी काम नहीं कर रही थी। 1 महीने दवा और पिलाई और मेरा बेटा जो उसका सर था बिल्कुल ही नॉर्मल
नॉर्मल हो गया था। अभी डॉक्टर के पास गए थे लगभग एक महीने बाद में, फिर हमने उनको बताया, हमने डॉक्टर साहब ये अब थोड़ा थोड़ा बैठ भी लेता है, थोड़ा थोड़ा सा पलट भी लेता है, तो उन्होंने कहा हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग परेशान मत हो, धीरे धीरे सही हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने ये भी बोला था कि हो सकता है बच्चा आपका पीछे रहे, फिर प्रभु की मर्जी, मतलब कुछ भी हो सकता है, उससे बड़ा तो कोई नहीं होता। उन्होंने मुझसे बोला था कि आपको जो है जब तक आपका बेबी पूरा 12 महीने का नहीं हो जाता तब तक आपको दिखाना है, बच्चे का सर जो है 1 साल तक नहीं बढ़ता है, तो आप समझ लीजिए आपका बच्चा बिल्कुल ओके है। 1.5 महीने उसकी दवा चली थी, 1.5 महीने के बाद में प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि वो बिल्कुल सही हो गया, और आज जो मेरा बच्चा है वो आराम से बैठ भी लेता है और आराम से खड़ा भी हो लेता है, धीरे धीरे बाकर भी चलाने लगा है, धीरे धीरे मतलब उसकी प्रोग्रेस धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और मैं आपको बता, और जब वो पूरा 1 साल का हो गया था तब जाके वो पहली बार अच्छे से बैठा था। थी मेरे छोटे बेटे की स्टोरी, और शायद आपको इससे कुछ सीखने को भी मिला होगा कि हम लोगों की गर्भावस्था के दौरान एक छोटी से छोटी लापरवाही बाद में कितनी महंगी पड़ती है, बाद में कितने चक्कर डॉक्टरों के लगाने पड़ते हैं। फ्रेंड्स मतलब हम लोग इतना परेशान हो गए थे, इधर भागते थे कभी उधर जाते थे, और अगर मैं उस समय सही जांच वगैरह या सही सब कुछ करवाती रहती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि मेरा बच्चा जो है बिल्कुल थोड़ी सी समय में और थोड़ी सी ही दवा में कंट्रोल हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी कि हर पेरेंट्स इतने लकी नहीं होते हैं, क्योंकि ट्विन्स प्रेगनेंसी में बहुत कम ही ऐसा केसेस होते हैं कि दोनों बच्चे हमको बिल्कुल सही सलामत मिल जाएं। तो प्लीज आप अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही ना करें। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा जो बेबी बहुत ज्यादा कमजोर था उसका मैंने ध्यान कैसे रखा, उसका जो है मैंने किस तरीके से केयर की, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पे आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपका भी बेबी थोड़ा बहुत दुबला पतला है या कमजोर है तो आपको भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए।